तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमने एक सीरीज स्टार्ट किया। अब हर संडे आपको पूरे सप्ताह में जितनी फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी और वह एक्टिविटी आपके जीवन पे क्या क्या असर डालेगी, सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने के लिए हम कोशिश किया करेंगे। तो आज की भी वीडियो काफी अच्छी और एक्साइटेड होने वाली है, तो ऐसी न्यूज़ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप रेगुलर देखते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहली न्यूज आप लोगों के लिए जो मैं लेके आया हूँ दोस्तों है बैंकिंग ग्रोथ की। दोस्तों आप लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं, लोन लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, SIP लेते हैं, अकाउंट खुलाते हैं, जितनी भी एक्टिविटी करते हैं उससे बैंक पैसे कमाता है। और जब पैसे बैंक कमाता है तो दोस्तों बैंक की ग्रोथ होती है, और बैंक की ग्रोथ होने के साथ साथ देश की भी ग्रोथ होती है। मुझे पता है कि आप लोग बैंक के कर्जों के ट्रैप में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, लोन के माध्यम से फंस चुके हैं, और आप लोग सोचते हैं कि अगर मैं सेटलमेंट कर लूंगा तो मेरा क्या होगा। इस क्या होगा का कारण जानने के लिए आपको तो इस वीडियो को देखना चाहिए, लेकिन दोस्तों आपके साथ जो भी होगा यह वीडियो आपको बता देगी। लेकिन इतनी परेशानियों के बीच जो कोविड गया, कोविड जैसे टाइम के बाद लोगों ने सेटलमेंट वगैरह किया, उसके बाद भी अगर बैंक कर रही है ग्रोथ तो कहीं ना कहीं हमारा देश भी तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों पिछले तिमाही में पंजाब नेशनल बैंक ने और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 11.5 और 12.4% के हिसाब से बैंकिंग ग्रोथ दिया है, जो कि इन बैंकों में जिनका खाता है उनको कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। तो दोस्तों आप भी अगर कभी अपनी जिंदगी में अगर क्रेडिट कार्ड या लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं तो कोशिश करिए निकलना है, क्योंकि निकलने के बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने के बाद ग्रोथ को अचीव करेंगे, और आप अगर ग्रोथ को अचीव करेंगे, बैंक ग्रोथ को अचीव करेगा, तो हमारा देश भी कहीं ना कहीं अचीव करेगा। तो दोस्तों आप भी शानदार तरीके से जो भी काम करते हो उसको ढंग से करिए और बैंकों की तरह अपने लाइफ को भी ग्रोथ करिए। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम की है, यानी कि हर इंसान चाहता है कि उसके ऊपर जो भी खर्चे हैं वो खर्चों से फ्री हो जाए, यानी कि उसको अपने खाने पीने का खर्चा, रहने ठहरने का खर्चा, अपने बच्चों को पढ़ाने का खर्चा, हाड़ी बीमारी का खर्चा, घूमने फिरने का खर्चा सब खत्म हो जाए और वो एक तरीके से फाइनेंशियल फ्री हो जाए, फाइनेंशियल रिलैक्स लेके अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिए। हाल ही के दिनों में आपने बंधन बैंक का नाम सुना होगा, बंधन बैंक जिनके CEO चंद्रशेखर घोष ने घोषणा कर दी है कि वह जुलाई में अपनी सारी एक्टिविटीज जो बैंक की है पूर्ण करके वह ले लेंगे रिटायरमेंट, फाइनेंशियल फ्री होके अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिएंगे। तो आप भी चंद्रशेखर घोष जी की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको करनी पड़ेगी रिटायरमेंट की प्लानिंग 60 साल में नहीं, 60 साल से पहले। वो 30 साल भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। आप टाइम में लेना चाहते हैं रिटायरमेंट, फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों जो प्लानिंग करनी पड़ेगी उसमें आपको आपके जो खर्चे होते हैं उस खर्चों की गणना करके उस जिंदगी जीने के लिए उसका पहले से प्लान करना होगा, और फिर आप सारी दुनिया से रिटायर नहीं लेंगे, केवल अपने काम धंधे से रिटायर लेंगे और आप उन चीजों को करेंगे जो आपको अच्छा लगता है। आप पेंटिंग बना सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पूरी दुनिया को घूम के एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर आधुनिक जीवन में आके आप नेतागिरी भी कर सकते हैं। देश में अभी चुनावी माहौल है और वोट आपके शहर में कब है कमेंट्स में बताइए, लेकिन अगर आपका वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो वोट जरूर डालिएगा, क्योंकि वो आपका संवैधानिक अधिकार है। अगली न्यूज दोस्तों पेनल्टी और फाइन की है। आप लोगों का जब क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पे नहीं होता है या फिर EMI बाउंस हो जाती है तो आप पे बैंक पेनल्टी लगा देता, तो आप सोचते हैं कि बैंक मुझ पे पेनल्टी लगा रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है, बैंक के ऊपर भी अगर वो कुछ गलती करते तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पेनल्टी लगाता है, क्योंकि वो बैंकों का बैंक है, बैंकों का बाप है। अगर बैंक उनके हिसाब किताब से काम नहीं करता है तो वो उन पे भी पेनल्टी लगाता है। दोस्तों आपने पिछले हफ्ते की अगर न्यूज नहीं सुनी तो ये न्यूज आपके काम की है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने LIC हाउसिंग फाइनेंस पे और IDFC बैंक पर लाखों करोड़ों का पेनल्टी ठोक डाला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो नम ट्रम बना रखे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनको फॉलो नहीं किया। IDFC फर्स्ट बैंक पे 1 करोड़ की है और LIC हाउसिंग फाइनेंस पे दोस्तों जो पेनल्टी लगी है वो है 49,70,000 रुपए का पेनल्टी लगी है LIC हाउसिंग फाइनेंस पे। अब आप बोलेंगे कि भाई इन पे पेनल्टी क्यों लग रही है, तो दोस्तों जब आप इनके कस्टमर बनते हैं तो आप इनके अंडर में आपकी सारी एक्टिविटी होती है, और अगर आपको यह सर्विस अच्छी नहीं देते हैं तो जो जागरूक लोग होते हैं वो उठाते हैं उंगली उनके काम पे, और काम अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से नहीं होता है तब बैंकों पे पेनल्टी लगती है।
और बैंक वह पेनल्टी देता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और उनको मिलती है शिक्षा कि भाई ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करें, जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी बना रखी है उसको फॉलो करते हुए अच्छी सर्विस दें। तो आप लोगों के साथ कोई गाली गलौज करता है या घर पे आके बदतमीजी करता है तो ये एक इलीगल एक्टिविटी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बना रखा रूल रेगुलेशन, और आप भी इन रिकवरी एजेंट के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं अगर वो हद से ज्यादा आपको हरेसमेंट करते हैं। तो कैसे एक्शन लिया जाता है इस वीडियो को जाके देखिएगा। अगली न्यूज की बात करें दोस्तों, गुड सिविल और आपका बढ़ेगा बिजनेस, गुड सिविल आपकी फाइनेंशियल जो ग्रोथ होगी वो अच्छे से होगी। ये शब्द जो गुड सिविल है, गुड सिविल में आपको कितना लोन मिल सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, एक अमाउंट के बाद बैंक भी कहेगा भाई हम आपको ज्यादा अमाउंट नहीं दे पाएंगे। और अगर सैलरी परसेंट होता है तो मल्टी फंडिंग के हिसाब से 1 करोड़ तक ले सकता है, लेकिन बिजनेस मैन जो होता है उसको एवरेज बैंकिंग बैलेंस और उसके बिजनेस ग्रोथ के ऊपर बैंक लोन देता है। लेकिन दोस्तों आपको एक खबर मैं जो बताने जा रहा हूं, आप सोच नहीं सकते कि 2700 करोड़ रुपए का बैंकों ने लोन दिया है उस कंपनी पे। कौन सी कंपनी है? उससे पहले दोस्तों थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी खबरों को सुनने के लिए आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे हैं, बैंकिंग सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटिव आपकी क्वेश्चन क्वायरी होती है, क्रेडिट कार्ड लोन, ईएमआई कैलकुलेशन या एसआईपी म्यूचुअल फंड या कौन से इंश्योरेंस में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी चीजों को आपको लेना चाहिए, बेसिक इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, इनसे रिलेटिव आपकी कोई क्वायरी कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों हमारे चैनल है एज के टिप्स, इसको सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो को अगर देख रहे हैं फेसबुक पे तो फॉलो करिएगा पेज को और लाइक भी करिएगा, और हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, वेबसाइट पे विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर खबर को। तो 27,000 करोड़ का लोन सीधे आईसीआईसीआई बैंक ने दिया है टाटा स्टील कंपनी को 3 साल के लिए, डेट फंड है। और दोस्तों नीवा भूपा कंपनी ने उनको दिया है 25 करोड़ रुपए एक बॉन्ड के रूप में 3 साल के लिए, यानी कि टोटल 2725 करोड़ का बैंकों ने और एक कंपनी ने मिलकर 2725 करोड़ का लोन दिया है 3 साल के लिए। आपकी अगर कंपनी अच्छी होगी, बैलेंस शीट अच्छा होगा, ग्रोथ का रोड मैप क्लियर होगा तो दोस्तों आपको भी इतना लोन मिल सकता है। लेकिन कोई बंदा कंपनी बना के माइंड में विलफुल डिफॉल्टर की तरह प्लानिंग करेगा तो कहां बैंक उसको लोन देगा, क्योंकि वो अगर उसको लोन दे देगा तो वो अगर डिफॉल्टर हो गया तो देश का कितना घाटा होगा, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है 27,000 करोड़, 25 करोड़, ये कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड के रूप में, इंश्योरेंस के रूप में या मेडिकल के रूप में, नीवा भूपा की जो कंपनी है वो मेडिकल इंश्योरेंस करती है, तो कहीं ना कहीं लोगों का ही पैसा होता है और यह पैसा ही वो ग्रोथ करके लोगों को देती है। अगर कोई बंदा या कोई कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो देश का कितना नुकसान होगा, क्योंकि पाई पाई से कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो दोस्तों यहाँ पाई पाई से बैंकों में पैसा इकट्ठा होता है और वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए ताकि उन पैसों पर रिटर्न मिले, तो लोगों को भी रिटर्न दे और देश में भी वह पैसा कमा के देश की तरक्की में भागीदारी निभाए। तो 2725 करोड़ का लोन मिला है टाटा स्टील को आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से और नीवा भूपा फाइनेंशियल कंपनी जो है उसकी तरफ। तो झटका लगा ना आपको ऐसी बात सुन के? तो दोस्तों अपनी कंपनी को भी टाटा स्टील के बैलेंस शीट की तरह रखिए और आप भी तरक्की करिए और देश को भी तरक्की करने का मौका दीजिए, क्योंकि अगर आप तरक्की करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश भी तरक्की करेगा। तो अगली खबर दोस्तों इन्वेस्टमेंट की। आप लोग इन्वेस्टमेंट करने से घबराते हैं, मैं ये बात सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग पैसे कमाते हैं, पैसे कमाने के बाद आप लोग क्या करते हैं? अपने खर्चों को उन पैसों से पूरा करते हैं और फाइनली आप बचत कुछ नहीं करते हैं। आप बचत अगर नहीं करेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो तब सोचिए जब आप जॉबलेस होंगे, आपके पास कोई काम नहीं होगा तो आपके पास पैसा कहां से आएगा। पिछले दिन दोस्तों न्यूज आई है कि कुछ बैंक्स ने 1 से लेकर 3 साल तक के फिक्स डिपॉजिट पर 8.1% का रिटर्न दिया है। इतनी अच्छी कवर है, सामान्य खातों में दोस्तों 4-4.5% का रिटर्न है, कहीं कहीं पे 7% का रिटर्न है, लेकिन अभी जो फिनटेक बैंकिंग सिस्टम आया है इसमें वो बैंकों के खर्चे कम हो गए हैं तो लोगों को उन्होंने रिटर्न देने का ज्यादा से ज्यादा वादा कर लिया। 8.1 बहुत हैंडसम अमाउंट होता है। तो जो लोग खाता नहीं खोलते हैं, बैंक में अकाउंट नहीं रखते हैं, दारू शराब उल्टी सीधी चीजों पे पैसा बिना सोचे सबसे खर्च कर देते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि वो लोग भी किसी न किसी BSBD अकाउंट को खोलकर पैसा जोड़ना शुरू करें। थोड़ा थोड़ा पैसा 100, 200, 500, 600, 1000, 2000 भी रखेंगे तो 8 पॉइंट से लेकर ज्यादा तक का रिटर्न मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात होगी कि उनको बचत करने की आदत पड़ जाएगी और बचत एक दिन इन्वेस्टमेंट करा के उसको फाइनेंशियल फ्री भी करवा सकती है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि CEO बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष जी ने अपने जीवन को फाइनेंशियल फ्री करके रिटायरमेंट का प्लान बना लिया है।
तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो जो आपको खबर दी गई है आपको समझ में आएगी। ज्यादा जानकारी के लिए गूगल कर सकते हैं, गूगल करेंगे तो और पूर्वक इन बातों को आप जांच परख सकते हैं और सरल भाषा में मैं आगे भी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। पहली वीडियो थी तो हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, लेकिन दोस्तों अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, रखिए सेहत का ख्याल दोस्तों, जान है तो जहान है। सी यू।